Exponent and Surds, घातांक एवं करनी पाठ 14। तो पहला प्रॉब्लम इतना बराबर व्हाट इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम हो ना पावर वाला एक लाइन में तो इसमें खोजो कॉमन भी कुछ है हाँ। इस पर निश्चित रूप से ध्यान दो तुरंत मिनट नहीं सेकंड में बन जाएगा कॉमन है क्या दिखाई दे रहा है कॉमन माइनस तीन का पावर दस नौ आठ यहाँ भी आठ यहाँ भी आठ यानी तीन का पावर आठ ये कॉमन है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तीन का पावर आठ कॉमन लिए इसमें क्या बचा तीन का पावर दस में तीन का पावर आठ हम कॉमन लिए कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है भाग देना तो भाग दोगे तो भाग का मतलब बचा तो तीन का पावर आठ तीन आठ बार लिखोगे और तीन दस बार लिखोगे तो अंत में आठ बार तीन कट जाएगा दो बार बच जाएगा तीन गुने तीन हाँ तीन का पावर दो इसका मतलब तीन का पावर दो तो समान जैसे देखो नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला जुट जाते हैं जब कॉमन लोगे तो तीन का पावर आठ इसमें कॉमन लिए इसका मतलब तीन आठ बार लिख चुके गुना में तो ये दस बार है तो तीन दो बार यानी तीन का पावर दो आठ दो दस आधार समान है तो गुना करो तो हो गया दस इसमें क्या बचेगा बोलो तीन का पावर नौ है तीन का पावर आठ तो तीन का पावर एक तीन का पावर एक मतलब तीन इसमें तीन बचा फिर माइनस तीन का पावर आठ कॉमन है तो दो का पावर दो बचा पॉइंट में दो का पावर दो हाँ ये गुना में है तो पॉइंट में ही इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो तो माइनस वाई होगा माइनस दो समझा माइनस वहाँ पे दो के आगे तो पीछे प्लस है ना तीन के पावर आठ यहाँ पर है तुमको इसमें तीन का पावर आठ इंटू यानी गुना है दो का पावर दो इसमें से तीन का पावर आठ कॉमन लो का मतलब भागा दो तीन का पावर आठ देखो तो ये दोनों कट रहा है ये बच रहा है इसमें ले लिए इसमें भी ले लिए इसमें लिए तो दो स्क्वायर बच रहे ना दो स्क्वायर अब समझा ये सब बेस ऑफ अलजेब्रा में डिवाइड एक बार तो कर लो पॉइंट नहीं है ये दशमलव नहीं है वो गुना इंटू वाला मैंने इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है एक का पावर फोर फोर बोलो एक का पावर फोर है कॉमन हाँ। क्या बचेगा एक का पावर वन चार एक पांच एक एक्स्ट्रा है तो एक तो ए माइनस एक्स स्क्वायर ये निकल गया तो माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो इसमें से इसमें कंफ्यूजन हुआ इसमें से तीन का पावर आठ कॉमन ले लिए तो दो का पावर दो बच गया बचा
समझा ना? तो तीन में हम लोग एक दो यहाँ तक कॉमन ले लिए, इसमें से तीन का पावर आठ कॉमन निकल गया, तो क्या बचा? गुने सात यानी माइनस सेवन रह गया। इसमें से गुना निकल, तीन का पावर आठ कॉमन ले लिए तो किसी से गुना नहीं रहता है, तो एक छिपा रहता है यानी माइनस एक रह जाएगा। बोलो हाँ। यहाँ नहीं भी लिखा रहेगा तो इसको समझ जाएगा। अब इसको तीन का पावर आठ, ये तीन स्क्वायर का मतलब तीन गुने तीन जोड़ तीन माइनस दो स्क्वायर यानी दो गुने दो, ये समान चिन्ह वाला जुट करके माइनस आठ होगा, होगा ना? तीन का पावर आठ, तीन किया नौ जोड़ तीन दो दूनी चार, तीन का पावर आठ तीन बारह नौ तीन बारह माइनस बारह तीन का पावर आठ, बारह में से बारह गया शून्य कट गया शून्य बता गुने शून्य बराबर समझा। इस टाइप में क्या होगा देखना है, जो कॉमन है क्या की चलो उतारो। अगला देखो दूसरा, दिया हुआ है दो का पावर दो एक्स आठ का पावर वाई बराबर एक सौ अट्ठाईस तथा सोलह का पावर एक्स आठ का पावर माइनस वाई बराबर बत्तीस, तो एक्स वाई का मूल्य निकाले यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। दिया हुआ है कि दो का पावर दो एक्स इंटू एट का पावर वाई बराबर एक सौ अट्ठाईस, इसको मान लो समीकरण एक, समझा? तथा एवं सोलह का पावर एक्स इंटू एट माइनस वाई बराबर बत्तीस, इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब समीकरण एक को पहले हल करो, समीकरण एक को हल करेंगे तो टू का पावर टू एक्स इंटू एक सौ अट्ठाईस दो का पावर दो एक्स, ये आठ को दो के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? दो दूनी चार दूनी आठ, ये आठ को तोड़े ये आठ हुआ, फिर इसका पावर है वाई बराबर एक सौ अट्ठाईस को भी तोड़ो, देखो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस होगा, ये हो गया दो का पावर दो एक्स दूने एक दो तीन, दो का पावर तीन फिर पूरे का पावर y बराबर दो कितना बार है एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो का पावर सात बराबर के पहले पावर पावर गुना होगा, तो तीन को y से गुना करेंगे तीन y होगा हाँ। दो का पावर तीन y बराबर दो का पावर सात,
बराबर आधार समान है, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, दो का पावर दो एक्स प्लस तीन वाई होगा बराबर दो का पावर सात। जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला पावर बराबर हो जाते हैं, इसीलिए टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सात, समीकरण तीन। बोलो यहाँ तक समझा? ऐसा लगता है ना जो दूसरा में भी एक समीकरण आने जा रहा है, इसको उतारो। देखो समीकरण एक को हल किए तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट आया है, ये आया है ना रिजल्ट। अब समीकरण दो को हल करेंगे, दो इतना है सोलह है, तो इसको भी दो के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, तो ये तो सोलह के लिए इतना लिखे हैं। फिर इसका पावर एक्स है, एक से अधिक पद जब ये आवे तो हमेशा कोष देंगे, वैसे इतना हुआ सोलह, सोलह का पावर एक्स तो पूरा हुआ सोलह, इसका पावर एक्स। आठ को तोड़ो, इंटू का आठ गुना आठ हो गया दो दूनी चार दूनी आठ, और आठ का पावर माइनस वाई तो इसका पावर माइनस वाई, क्या बत्तीस को तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, दो के रूप में, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस, ये कितना हो गया एक दो तीन चार, तो दो हुआ चार बार, इसके लिए इतना लिखे पावर एक्स है एक्स गुने एक दो तीन, तीन का दो का पावर तीन, फिर इसका पावर माइनस वाई बराबर एक दो तीन चार पांच, तो दो का पावर पांच होगा। इसके बाद पावर पावर गुना हो जाएगा तो दो का पावर चार गुने एक्स, चार एक्स होगा, दो का पावर चार एक्स गुने दो का पावर प्लस तीन, और माइनस वाई गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस तीन वाई, यानी दो का पावर माइनस तीन वाई बराबर दो का पावर पांच, इतना होगा ना। आधार समान हो तो गुना में पावर जोड़ दिया जाता है, दो का पावर चार एक्स जोड़ माइनस तीन वाई होगा बराबर दो का पावर पांच। जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला पावर समान हो जाता है, ये हो गया तुमको फोर एक्स प्लस माइनस माइनस तीन वाई बराबर पांच, इतना समझ गया। अब ये इसको मान लो समीकरण नंबर चार, तो देखो तीन और चार बेस ऑफ अलजेब्रा तो पूरा समीकरण ही है,
इसमें सीख चुके हो ना, तो देखो तीन और चार को अगर जोड़ेंगे तो ये माइनस तीन वाई है और प्लस तीन वाई कट जाएगा। तो लुप्तीकरण विधि से इसको हम लोग जोड़ेंगे। तीन हो गया, दू एक प्लस तीन वाई बराबर सेवन, चार हो गया फोर एक्स माइनस थ्री वाई बराबर फाइव, दोनों को जोड़ने पर ये कट जाएगा, सिक्स एक्स बराबर बारह, इसीलिए एक्स बराबर बारह बटा छ बराबर दो होगा। अब x का मान समीकरण तीन चार या तीन में बैठा दो, वाई का आएगा एक बराबर दो, वाई बराबर एक। कैसे उतारोगे इसको समझा, देखो जिसका समीकरण जिसको नहीं आएगा इसको कितना प्रॉब्लम होगा पर वही नहीं करेगा। तो पहले तो बेस ऑफ अलजेब्रा कोई भी विद्यार्थी देख ले, इसके बाद ही ये सब समझेगा। नो इक्वेशन नो मैथ, पहले इसको उतारना है, तब इसको तब इसको तब इसको, तो इस टाइप का हिसाब कैसे बनेगा समझ गया। तो रहने दो अब नेक्स्ट पार्ट में।